एक बूढ़ी ऐसी होंगी लगभग 80-85 साल की बूढ़ी माता जी, और अच्छी लड्डू कचौड़ी खाई हुई थी, तो भगवान की कृपा थी उनके शरीर पर। वो बहुत देर से, वो धूप से गई थी छत पर, बहुत देर से इन बहुओं की बातें सुन रही थी। अच्छा, बूढ़ी माताएं होती हैं तो वैसे तो ये बहुत ऊंचा सुनती है, पर बहुओं की फुसफुसाहट भी सुन रही थी बता। और बहू के मायके से कोई आया हो तब देखो, बुढ़िया एकदम दीवार से कान लगा देती है, क्या बात। तो वो आई अपना बैंत टेकते टेकते, क्योरी बीननी हो। अच्छा महाराज जी, वहाँ राजस्थान में बहू को बीननी कहते हैं, यहाँ तो बीननी नहीं कहते। मैं गया था झुंझुनू कथा करने, गया झुंझुनू, बिल्कुल ठेठ ठेठ वो राजस्थान है ठेठ। तो मैंने पूछा कि बहुओं को हमारे यहाँ तो बहुरानी कहते हैं, कुछ और भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ बीननी क्यों कहते हैं। बोले वो बीन बीन के लाई जाती हैं सैकड़ों में से, इसलिए बीननी कहते हैं। क्या सार्थक शब्द बोला, सैकड़ों देखी जाती है उसमें से एक बीन के लाते हैं उसमें, ऐसा होता है कि नहीं होता है।